श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसंत ऋतु की जय। वसंत पंचमी की जय। सभी वैष्णवों को राधे राधे। आज की पावन वीडियो वसंत ऋतु वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में है। सावन की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में भूड़ी हो गई है। अब वसंत उसका सौंदर्य लौटाने के लिए आ गया है। जल वायु धरती अग्नि और आकाश पंच तत्व अपने मोहक रूप बिखेरने को उतावले हो गए हैं। माघ मास की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी है। इसी पल का सभी ब्रजवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। गांव देहात और शहर से लेकर ब्रज के मंदिरों में होली का डंडा गड़ जाएगा। फाल्गुनी बयार मंद मंद ब्रज मंडल में बहते हुए ब्रजराज के दरबार बलदेव में चरम पर पहुंचकर शांत हो जाएगी। तेजस्विनी और अनंत गुण शालिनी देवी सरस्वती माँ की पूजा का भी यह विशेष दिन है। महाकवि सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज की होली और वसंत को सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है, फागु चरित रस साग हमारे, खेल ही सब मिली संग तुम्हारे, सुनी सुनी सूर शाम मुस्कुराने, ऋतु वसंत आयो हर खाने, सुंदर बर संग ललना बिहरती, बसंत सरस ऋतु आई, लय लय छरी कुमारी राधिका, कमल नैन पर धाई, सुर पुर नू पुर नाग लोक, जल थल क्रीड़ा सुख पावे, प्रथम बसंत पंचमी लीला, सूरदास जस गावे। आज के दिन ही श्री धाम बरसाना से नंद गांव के लिए होली का निमंत्रण जाता है। रसिक जन गाते हैं, जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। बरसाने से टोली चलती है नंदगांव के लिए आज के दिन ही, और नंद भवन में जाके निमंत्रण पत्रिका दे के आती है कि हे श्याम सुंदर, हमारे यहाँ अष्टमी नवमी को श्रीधाम बरसाना की होरी हैगी और आप सब लोग पधारें अपने ग्वाल सखा मंडल के संग। श्री नंदगांव में पदों का गान होता है और रसिक जन रसिया गाते हैं, चुंदर रंगे तो चल बरसाने, होरी आए गई मेरी वीर, आए गई मेरी वीर, होरी आए गई मेरी वीर, चुंदर रंगे तो चल बरसाने, होरी आए गई मेरी वीर। रत्नाकर जी ने तो यहाँ तक लिखा है, काम विधक बाम की कला में मीन मेष कहाँ, ऊधो नित वसंत वसंत बरसाने में। श्री जी मंदिर के जगमोहन में होली का डंडा गाड़ा जाएगा। इसके साथ ही 40 दिनों तक समाज गायन भी शुरू हो जाएगा। मथुरा में दुर्वासा ऋषि के मंदिर पर मेला लगता है तो अन्य मंदिरों में उत्सव और भगवान के विशेष श्रृंगार होते हैं, और वसंत पंचमी से नित प्रतिदिन ठाकुर जी को श्रृंगार में गालों पे दोनों तरफ गुलाल के टीका लगाए जाते हैं। वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर ठाकुर जी भक्तों के संग होली खेलकर ब्रज होली का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन वसंत पंचमी के दिन वसंती पोशाक और गुलाल की पोटली बांध हुरियारे के रूप में ठाकुर जी दर्शन देंगे। इसके लिए मंदिर में टेसू के फूलों का रंग तैयार हो रहा है। मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी का कहना है कि पद और रसिया सुनाकर ठाकुर जी को रिझाएंगे। इसी दिन वृंदावन जी के शाह जी के मंदिर का वसंती कमरा ठाकुर जी के लिए खुलता है और साल में सिर्फ इसी दिन श्री ठाकुर जी वसंती कमरा में विराजमान होते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार ही वसंत पंचमी पर खुलता है। इसके दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी कहते हैं
कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव देव मंदिर पर वसंती श्रृंगार किया जाएगा। केसर की खीर बनाकर ठाकुर जी को प्रसाद अर्पित किया जाएगा। दिन में बूंदी, रेबड़ी और बेर का प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाएगा। द्वारिकाधीश मंदिर में फाग महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। ब्रजराज बलराम जी के दाऊजी स्थित मंदिर में भी वसंत पंचमी को होली का डंडा गाड़ा जाएगा। और इसके साथ ही धर दे ढप गई पर की, कि हे लाला अब ढप रख दे, अब तो होली है गई। रसिया गायन के साथ ही ब्रज में 40 दिवसीय होली उत्सव का समापन हो जाएगा। वसंत पंचमी से श्रीधाम वृंदावन में नित्य प्रति होली उत्सव मनाया जाएगा। श्री जी ठाकुर जी के मंदिर में नित्य प्रति होली खेली जाएगी। ऐसी श्री धाम बरसाना की वसंत ऋतु की महिमा है। चलो रे वृंदावन वसंत आई, रसिक जन गाते हैं। नवल वसंत नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल, श्री वसंत ऋतु आई आई, वसंत ऋतु। वसंत पंचमी के दिन ही श्री ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने रुक्मणी जी के संग में विवाह रचाया था। वसंत पंचमी की अनेकों महिमा है और वसंत ऋतु का अगर आनंद लेना है तो श्री धाम वृंदावन पधारें और वसंत ऋतु की रौनक देखें। जय जय श्री राधे श्याम। और भी लीला वर्णन, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला का चिंतन श्रवण और ठाकुर जी के नित्य प्रति श्रृंगार के वर्णन के बारे में जानकारी हेतु हमारे पेज से जुड़े रहें। सभी के हृदय में श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम बढ़ता रहे, इसी आशा के साथ सभी के हृदयस्थ विराजमान श्री प्रिया प्रीतम को हमारा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, राधे।